गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ईश्वर से दुआ है आप सभी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। ईच ईयर मोर देन अ मिलियन एस्पिरेंट्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो आज का हम लोगों का जो सेंटेंस अरेंजमेंट है उसका 11 से क्लास होगा, बट उसके पहले हम लोगों का होमवर्क जो है वो पूरा कर लेते हैं। और वो होमवर्क क्या है वो मैं आपको अभी जस्ट दे देता हूँ। होमवर्क 2-3 दिन से नहीं हो रही थी। तो पहला जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये पहला है एज। एज और साइड का मतलब होता है किनारा। एज और साइड का मतलब होता है किनारा। दूसरा वर्ड याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, फॉर लॉन। फॉर लॉन। और ग्लूमी। ग्लूमी इसका मतलब होता है उदासी, दुखी। ग्लूमी और फॉरलॉर्न का मतलब होता है उदासी या दुखी बच्चों। अल्टीमेट बोलते हैं, अल्टीमेट रिलेशन है। फाइनल या लास्ट बोलते हैं, फाइनल या लास्ट बोलते हैं। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल या लास्ट। चौथा जो वर्ड है बच्चों टेडियस है। टेडियस का मतलब होता है ट्रबलसम, उबाऊ। ट्रबलसम, उबाऊ। ट्रबलसम, उबाऊ। उबाऊ जिससे मन थक जाता हो, उबाऊ या थकाऊ भी कहते हैं, जिससे मन थक जाता हो, थकाऊ। पांचवा जो वर्ड है स्टूडेंट्स आपका वो है डायलिमा। डायलिमा का मतलब होता है, डायलिमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, दुविधा। कहते हैं राइट नाउ आई एम इन अ डायलिमा। राइट नाउ आई एम इन अ डायलिमा। फुलमिनेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट। फुलमिनेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट, विरोध। सातवा वर्ड है डेंजरस, हाजार्डस। हाजार्डस का मतलब होता है एकदम खतरनाक, डेंजरस, खतरनाक। ठीक है स्टूडेंट्स। और आठवां जो वर्ड है बच्चों वो है कोडल, CDDLE, कोडल। इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट। कहते ना प्रोटेक्शन, सुरक्षा, सुरक्षा होता है बच्चों। और नाइन्थ जो वर्ड आपको दिख रहा है वो है एवर्सन, डिसलाइक। एवर्सन का मतलब होता है घृणा, डिसलाइक इसको हम कहते हैं, डिसलाइक, घृणा, नापसंदगी। और लास्ट एक वर्ड है कोडियल, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, मित्रवत। दोस्ताना रिश्ता को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेंडली बोलते हैं। अब यहां पर आपको कल जब आप आएंगे तो यहां पर दो चीजें लिखना होगा। एक तो सिनोनिम आपको बताना होगा इन सभी वर्ड का, एक एंटोनिम बताना होगा। ये सभी के सभी जो है क्या है, सिनोनिमस है, साइनो है। ये सभी वर्ड पर्यायवाची है एक दूसरे का। एक बार हम सभी रिवाइज कर ले, और रिवाइज कर ले साइड हो जाएंगे तो सर स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो पहला वर्ड है एज और साइड, तो इसका मतलब होता है किनारा। कहते हैं ना ये नदी का सेकेंड एज है, तो ADGE एज का मतलब होता है किनारा। दूसरा वर्ड है फॉर लॉर्न, LORN है ये, फॉर लॉर्न है। दूसरा वर्ड है फॉर लॉर्न, FORLORN, फॉर लॉर्न का मतलब होता है ग्लूमी।
आर यू फॉरलॉर्न, आर यू ग्लूमी, आर यू फॉरलॉर्न, क्या तुम उदास हो। फॉरलॉर्न और ग्लूमी का मतलब होता है उदास बच्चों, फॉरलॉर्न और ग्लूमी का मतलब होता है उदास। तीसरा वर्ड है अल्टीमेट और फाइनल। कई बार हम लोग कहते हैं अरे यार अल्टीमेट ऑप्शन है, अरे अल्टीमेट है, अरे गजब दिख रहा है, अल्टीमेट दिख रहा। तो अल्टीमेट या अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, कंक्लूसिवली, फाइनल, लास्ट। सिनोनिम में लास्ट भी आ सकता है, तो अल्टीमेट हो गया सेंटेंस। कल आप लोग इससे बनाइएगा। फिर टेडियस होता है, टेडियस का मतलब होता है जिससे उब जाए, टायर्ड, थकावट। तो ट्रबुलसम और टेडियस का मतलब होता है, कहते हैं दिस मूवी इज वेरी टेडियस, यह मूवी एकदम टेडियस है, उबाऊ है, मन नहीं लग रहा है, बोरिंग जिसको कहते हैं, टेडियस है मतलब बोरिंग है। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों डायलिमा है। डायलिमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो हम कहते हैं ना अक्सर कि राइट नाउ आई एम इन अ डायलिमा, राइट नाउ आई एम इन अ डायलिमा, अभी मैं कंफ्यूजन में हूं, डायलिमा में हूं। तो डायलिमा का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूजन में होना। राइट नाउ आई एम इन अ डायलिमा। एट सी इसके लिए भी यूज किया जाता है, एट सी, दुविधा में। खैर आगे बढ़ते हैं, आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, केवल 12 स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हुए हैं, और पता नहीं किस वजह से। देखिए एक बात और कि जब तक एनर्जी नहीं मिलती है तब तक कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं रहते हैं, तो इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे एनर्जी को, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ज़रूरी है मोटिवेशन, दोनों लोग का कोऑपरेशन ज़रूरी है। फुलमिनेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, प्रोटेस्ट। कहते हैं ना क्या चल रहा है वहाँ भाई, धरना प्रदर्शन चल रहा, तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध या प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन को हम फुलमिनेट या प्रोटेस्ट कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हजार्डस, डेंजरस, पेरिल भी इसके लिए वर्ड आता है, पेरिल। इसके लिए एक और वर्ड आता है पेरिल, पेरिल का मतलब भी होता है खतरनाक। हजार्ड्स, डेंजरस, पेरिल का मतलब होता है खतरनाक होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो कि कोडल और प्रोटेक्ट, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से आता है कोडल और प्रोटेक्ट। कोडल का मतलब होता है सुरक्षा, कोडल और प्रोटेक्ट दोनों का मतलब होता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन बना है प्रोटेक्ट से। एवर्सन बना है हेट से, डिसलाइक इसका सिनोनिम में आएगा। एवर्सन, डिसलाइक, हेट का मतलब होता है घृणा करना। लास्ट वर्ड है कोर्डियल और फ्रेंडली। दोस्तों कोर्डियल का मतलब होता है मित्रवत होना, अच्छा रिलेशन में होना, दोस्ती में होना। तो ये आपका 15-10 वर्ड है जिसको आप कल याद करेंगे, और इसके साथ साथ सामने में एक एंटोनिम्स आप लोग खोज के लिख के रखेंगे कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स भी एक एक याद करके लगेंगे। दोस्तों हमेशा याद रखिए, पानी में कहां तस्वीर बनती है, पानी में कहां, पानी से कहां तस्वीर बनती है, ख्वाबों से कहां तकदीर बनती है, पानी से कहां तकदीर बनती है, पानी से कहां तस्वीर बनती है, ख्वाबों से कहां तकदीर बनती है। पानी से कहां तस्वीर बनती है, ख्वाबों से कहां तकदीर बनती है। जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है, सॉरी कह रहा है कि पानी से कहां तस्वीर बनती है, ख्वाबों से कहां तकदीर बनती है। ऐसी जिंदगी कहां बार बार मिलती है, ऐसी जिंदगी कहां बार बार मिलती है। तो दोस्तों इस जिंदगानी में हमें पहली बार जिंदगी एक मिली है, तो इसमें हम बहुत मेहनत करेंगे क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। तो पूरा लाइन को ठीक से यदि कंसेप्ट किया जाए तो ऐसे कह रहा है कि पानी से कहां तस्वीर बनती है, तस्वीर बनती है, ख्वाबों से कहां तकदीर मिलती है, ख्वाबों से कहां तकदीर बनती है, क्योंकि जिंदगी, क्योंकि जिंदगी कहां बार बार मिलती है, इस जिंदगी में करा, इस धरती पे जिंदगी कहां बार बार मिलती है। तो जिंदगी हम लोग को एक बार मिली है, इसलिए हमें मेहनत करने की जरूरत है और अपने तकदीर बनाने की जरूरत है। केवल ख्वाब देखने से हमारा तकदीर नहीं बन सकता है दोस्तों। तो देखते हैं हम लोगों का आज 11 नंबर सेंटेंस अरेंजमेंट है बच्चों। मौसम के कारण एकदम नेटवर्क जो है स्लो जा रहा है। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट।
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, देखिए गौर से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एक में कह रहा है 11 कि देयर आर सम स्टोर्स। पी में कह रहा है दैट मेक्स इट इजी। क्यू में कह रहा है आर में कह रहा है विथ रीजनेबल गुड्स। गुड्स का मतलब सामान होता है, वस्तु होता है। और एस में कह रहा है फॉर पीपल। और सिक्स नंबर कह रहा है लिमिटेड बजट। ए में ऑप्शन है PQRS, बी में ऑप्शन है SPQR, सी में ऑप्शन है RPSQ और डी में ऑप्शन है बच्चों QPSR। देखिए अब यहां पर आप लोगों को आंसर बताना है, बहुत सिंपल है। हमने जब जिस दिन पढ़ाया था कोरोना कॉन्सेप्ट में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, उस नाउन के तुरंत बाद होता है जिसके लिए वह आया है। आपके पास वाक्य में दो रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है, अच्छा घर पहुंच गए। एक रिलेटिव प्रोनाउन देखिए यहां पर है, एक रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर है। शायद होगा बताए थे आदमी के लिए हु का प्रयोग होता है और वस्तु के लिए दैट का प्रयोग होता है। आदमी के लिए हु का प्रयोग होता है, वस्तु के लिए दैट का प्रयोग होता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अभी तक आंसर किसी का, एक राजकुमार का सही आया है, राजकुमार का आंसर सही आया है अभी तक। आप याद होगा हम बताए थे रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट नाउन के तुरंत बाद आता है, जिसमें हम ये भी पढ़ाए थे कि आदमी के लिए हु आता है और वस्तु के लिए दैट आता है। शायद याद होगा तो आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही आ गया है, मानसी का आंसर सही है, साधना आंसर सही है कि एस के तुरंत बाद क्यू होगा। देखो बाबू ये आदमी है ना, आदमी के लिए क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए। यहां देखो ये किसके लिए आएगा, आदमी के लिए, तो एस के तुरंत बाद क्यू रखना पड़ेगा। एस के तुरंत बाद क्यू खोजिए इसमें कहां पे है, और आर के तुरंत बाद पी होगा। बिल्कुल साधना का भी सही है, आर के तुरंत बाद पी क्यू आएगा क्योंकि ये गुड्स जो है, ये देखिए गुड्स ये वस्तु है और इसके लिए गौर से देखिए आर के तुरंत बाद पी देंगे, दैट देंगे, क्योंकि वस्तु के लिए दैट आया है, आदमी के लिए हुआ है। तो यहां आदमी पीपल क्या है, पीपल आदमी है, तो पीपल के तुरंत बाद इस हिसाब से देखें तो एस के तुरंत बाद क्यू हो जाएगा, आर के तुरंत बाद पी हो जाएगा। अभी भी शुभम फंस रहे हैं आप। गुड़िया का सही आंसर है, फिर से समझाने के लिए है तो मैं फिर से समझा देता हूं। ऐसे देख लेते हैं, गौर से सेंटेंस देखिए, देयर आर स्टोर्स विथ रीजनेबल गुड्स करा है दैट मेक्स इट इजी फॉर पीपल
who have a limited budget, ऐसे भी इजी फोर लेता है, इजी फोर तुम्हारे लिए आसान है, इजी फॉर समवन या समथिंग। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा बच्चों, आशा करते हैं सर। हु का स्टोर के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं, हु आदमी के लिए आएगा, स्टोर के लिए नहीं। हु किसके लिए आता है? आदमी के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ाए थे कोरोना कॉन्सेप्ट में, याद होगा उस समय बताए थे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उस नाउन के तुरंत बाद किया जाता है जिसके लिए वह आया है, जिसके लिए वह आया है। तो हु आया है पीपल के लिए और दैट आया है गुड्स के लिए, इसलिए आर के तुरंत बाद पी होगा और एस के तुरंत बाद क्यू हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटाना होगा। चलिए मिटा दूं। ओके, देखिए ये बात हमने आपको कोरोना कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, भले आप लोग आसानी से याद नहीं रख पा रहे हैं, या एक और बात है, कई बार याद रहने पर भी जब तक एप्लीकेशन अप्लाई करने नहीं आएगा आंसर सही नहीं हो सकता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हम अपनी बात करें, आप मेरे को कॉपी में लिख के दे देंगे कि सर लीजिए 1/3 π² h है, और कोई भी त्रिकोणमेट्री का ही आप फॉर्मूला दे देंगे और कहेंगे सर क्वेश्चन बनाइए, हम नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए अप्लाई करने आना चाहिए। ईटा दे देंगे, बालू सीमेंट देंगे तो घर हम नहीं जोड़ सकते हैं, अप्लाई करने आना चाहिए। तो यही सेम चीज है, कैसे सेंटेंस में अप्लाई करना है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं बच्चों। एप्लीकेशन बहुत बड़ा चीज होता है कि किसी भी चीज को हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 दे रहे हैं, आराम से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है? एक, करा द ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन फ्रॉम, द ट्रांजिशन फ्रॉम, एक में कह रहा है स्कूल टू कॉलेज। ट्रांजिशन मतलब होता परिवर्तन, ट्रांसफर। क्यू में कह रहा है मीट इट। आर में कह रहा है सो वन मस्ट, और एस में कह रहा है इज डिमांडिंग, डिमांडिंग। और 6 नंबर में कह रहा है विदाउट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। ए में कह रहा है एस क्यू आर पी, बी में कह रहा है पी एस आर क्यू, सी में कह रहा है पी आर क्यू एस, और डी में कह रहा है आर क्यू पी एस। आपको भली भांति मालूम है कि मस्ट जो है वो मोडल एक्जॉडी वर्ब है, इसके लिए भी वन पड़ेगा, और फ्रॉम जो है अपने साथ टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है, लिखते हैं ना फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, लिखते हैं ना सोमवार से शुक्रवार तक लिखते हैं ना। इस हिसाब से यदि आप देखिएगा तो आप आंसर जो है दे सकते हैं। एम यू एस टी मस्ट जो है ये मॉडल एक्जुअली वर्ब है, और पढ़ाए थे कि मॉडल एक्जुअली वर्ब के बाद भी वन आता है, यहां पर मॉडल एक्जुअली वर्ब है और आपको यहां पर भी वन है। आर के तुरंत बाद क्यू खोजिए कहां कहां पे है। आर के तुरंत बाद क्यू 3 जगह पे है, गौर से देखिए।
क्या होगा आंसर? बिल्कुल राम जी का करेक्ट आया है। गौर से सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है फिर बताना है। इज डिमांडिंग सिमिलर वर्ब है, ये किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, अभी तक वर्ब आया था ना, तो ट्रांजिशन के लिए इज आया है। तो पी के तुरंत बाद क्या होगा? एस होगा, तो पी एस आर क्यू हो जाएगा। ऐसे देखिए ना, पी से शुरू करना पड़ेगा कि द ट्रांजिशन फ्रॉम कहां से कहां, स्कूल टू कॉलेज। ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज डिमांडिंग। इज डिमांडिंग किसके लिए आया है? ट्रांजिशन के लिए आया है। तो पी के तुरंत बाद एस देंगे, फिर करा इज डिमांडिंग, सो वन मस्ट मीट इट विथ एक्सपेक्टेशंस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छा। पी एस आर क्यू होगा, बिल्कुल सही। साधना सिंह वेरी गुड, पी एस आर क्यू शालिनी वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, स्वाति प्रिया वेरी गुड, वेरी गुड राम जी, बहुत अच्छा। अमृता वेरी गुड, बिल्कुल। यहां पर देख लीजिए, लिख दिए थे मस्ट के बाद ये होगा, फ्रॉम लेता है टू, इसलिए पी से शुरू करेंगे। और चूंकि अभी तक सब्जेक्ट जो है ये है, मेन सब्जेक्ट ये था, इसका वर्ब इज था, तो पी के तुरंत बाद एस रखना हमारी मजबूरी थी। तो पी एस आर क्यू आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत है किसी को? ये बात तो पढ़ाए थे ना, मॉडल एक्जोरडी वर्ब के बाद वी वन आता है, मॉडल वर्ब के बाद वी वन आता है, ये बात तो आप पढ़े ही हैं। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया आप रेस्टोरेंट का स्पेलिंग बताइए, दूसरा कोई नहीं बताएंगे, प्रिया लिखेंगे रेस्टोरेंट का स्पेलिंग, प्रिया लिखेंगे रेस्टोरेंट का स्पेलिंग। प्रिया बर्णवाल आप सुन रहे हैं, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग लिखिए। अमृता आप लेफ्टिनेंट लिखिए, प्रिया आप रेस्टोरेंट लिखेंगे, अमृता आप लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग लिखेंगे, शालिनी रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग लिखिए। वेरी गुड, रेस्टोरेंट, वेरी गुड, सही आ गया है आंसर। प्रिया का सही आ गया है, प्रिया का आंसर सही आ गया है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेटर सही है, शालिनी का भी आ गया है। अमृता आपका बचा हुआ है लेफ्टिनेंट, याद है ना एक बार पढ़ाए थे लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग, लाई यू टेन एंट, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अच्छा लगता है बाबू, इसलिए ये नहीं माइंड करना कि सर हमको क्यों पूछ दिए हैं, बीच बीच में बस देखना चाहते हैं कि आप लोग घर पे मेहनत किए हैं या नहीं किए हैं। दूसरी बात है कि पढ़ रहे हैं तो सच में मन से पढ़ रहे हैं कि बस केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। द रेलवे लॉन्च्ड, द रेलवेज हैव लॉन्च्ड, लॉन्च्ड, तो कोई ना कोई तो कोई चीज को लॉन्च किया होगा। पी में कह रहा है वेयर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जगह के तुरंत बाद आएगा। वन कैन फाइंड क्यू में कहता है ऑन अ गूगल मैप, गूगल मैप। दूसरा आर में कहता है एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। लंच कोई ना कोई चीज को किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ
6500 ट्रेन्स, 6 में करा ऑन और रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम बेसिस। ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है, आराम से पढ़िए, सोचिए, समझिए और तब आंसर दीजिए। क्यू आर पी एस, आर पी एस क्यू, डी एस क्यू पी आर। चलिए गौर से पढ़ना है सेंटेंस को और समझ के आंसर देना है, घबराना नहीं है, इस सब क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की चीजें हैं और पढ़ के फिर आंसर बताना है। वेरी गुड अमृता, बहुत बढ़िया। अभी अभी बताए हैं कि ये जो है ना जगह के लिए आएगा, जगह के लिए, तो इस तुरंत बाद आएगा ना, उसके तुरंत बाद आएगा जिसके लिए वो आया है। मैंने कहा लंच समथिंग, कोई भी आदमी चीज को लंच करता है, लंच समथिंग। तो अभी देखिए लंच समथिंग, आदि सर अभी एक ऐप लॉन्च करने वाले, आदि सर अभी एक लॉन्च ऐप करने वाले हैं, ऐप को लॉन्च करने वाले, उसी तरह रेलवे भी एक क्या लॉन्च किया, ये समझना होगा। तो ये गौर से देखिए, ये आपको शुरू क्या करना पड़ेगा, ये शुरू में लॉन्च करना पड़ेगा। तो लॉन्च का मतलब है कि इसमें से देखिए, हम ये आप पी से शुरू तो कर नहीं सकते हैं और है भी नहीं पी से शुरू, या तो क्यू है नहीं तो आर है। तो क्यू में क्या कर रहा है, लॉन्च ऑन गूगल मैप, लॉन्च के बाद प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, समथिंग चाहिए। तो आर से शुरू करने का है और आर से कितना सेंटेंस शुरू है, एक सेंटेंस है। एन ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर, जहां वेयर, जहां जहां वन कैन फाइंड, जहां पर कोई भी फाइंड कर सकता, क्या द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रेन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6500 ट्रेन, किस बेसिस पर। तो गौर से देख लीजिए क्या हो जाएगा, फिर करा है ऑन अ गूगल मैप ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, आर पी एस क्यू कहीं से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। फिर से समझ लीजिए, लॉन्च कोई ना कोई चीज किया जाएगा, लॉन्च कोई ना कोई चीज को किया जाएगा, गूगल मैप को कोई लॉन्च नहीं करता। यहां करा रेलवे लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहां पर वेयर है ना, वेयर वन कैन फाइंड, जहां पर कोई खोज सकता है, क्या चीज को, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ट्रेन का, इतना ट्रेन का एग्जैक्ट लोकेशन खोज सकता है। कराए ऑन अ गूगल मैप, किस चीज पर, गूगल मैप पे, एंड किस बेस पे, ऑन अ रियल टाइम बेसिस। कहीं से कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और प्लेस के लिए वेयर आता है, जहां, ये रिलेटिव प्रोनाउन, जहां प्लेस के लिए वेयर आएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जहां पर कोई भी आदमी ट्रेन का लोकेशन फाइंड कर सकता है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
किसी को कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक यू बाबू मानसी, थैंक यू। और हम लोग जब इसका ना प्रैक्टिस जब 100 200 कर लेंगे क्वेश्चन का, मिनिमम 100 भी, तो आपका आइडिया डेवलप हो जाएगा बाबू। जब तक आपका आइडिया डेवलप नहीं होगा तब तक ये बन नहीं सकता है। और सीनियर स्टूडेंट को भी बहुत टाइम लगता है और वो लोग भागते हैं इन चीज़ों से, लेकिन ये बात भी सच है। किसी भी सीनियर से पूछिएगा, मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, बहुत सारे जो है सचिवालय में हैं, तो उन लोगों से आप पूछेंगे तो देखो कुछ फैक्टर बहुत मायने रखता है। इनकम टैक्स या हाई रैंक उसी को मिलता है एसएससी सीजीएल में, जो लोग क्या क्या बना लेते हैं। देखिए वॉयस नरेशन ऑलमोस्ट लोग बना लेते हैं, जो जिन लोगों से पीक्यूआरएस बन जाता है, जिन लोगों से क्लोजेस्ट सही सही बन जाता है, और जिनसे पैसेज बन जाता है, ये तीन जो लोग सही बना लेते हैं वो बाजी मार जाते हैं। मोटा मोटी कॉमन एरर भी लोग बना लेते हैं, मोटा मोटी नरेशन वॉइस भी बना लेते हैं, वो कैप भी थोड़ा बहुत जो प्रीवियस होने के कारण बना ही लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर मायने रखता है कि आप पीक्यूआरएस बनाइए, क्लोज टेस्ट सही सही बना लीजिए, और बर्ड मीनिंग जो है उसको भी सही सही पकड़ लीजिए, तो आप एक हाई रैंकर साबित हो सकते हैं। आप रैंकिंग मिल सकता है आपको, मनचाहा पोस्ट मिल सकता है, और नहीं तो दिन काट के पास कर जाना तो अलग बात है। देखिए पास दिन काट करके करेंगे तो लोग कहेगा अरे ऐसे हो गया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा और मेहनत कर दे। देखिए एक बात, फर्स्ट रैंकर और सेकेंड रैंकर में बड़ा कम का अंतर होता है। एक ने थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाया वो फर्स्ट रैंकर कहलाया, और एक ने कम किया, या ऐसे ही देखिए ना, किसी को 29 आ गया किसी को 30 आ गया, तो जरूरत किस बात की है, थोड़ा ज्यादा एफर्ट क्यों ना लगा दे। जितना हम पढ़ रहे हैं इसी में हल्का से ज्यादा कर देंगे तो हमारा रैंक मिल सकता है, अच्छा रैंक मिलेगी तो मनचाहा पोस्ट मिल सकता है। क्योंकि होता क्या है कि यदि रैंक मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है तो आप डिपार्टमेंट में जाके भी फिर से उतना मेहनत करते हैं काम के साथ साथ। हमारे भी कई स्टूडेंट हैं जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं सर मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूं कि थोड़ा और अच्छा रैंक आए और अच्छा पोस्ट मिले। तो मान लीजिए कि आपका ये जो तैयारी करने का सिलसिला है ये पीछे नहीं छोड़ा, लगा ही हुआ रहा। लेकिन एक हमारा स्टूडेंट है केशव नाम है, जो वैशाली का है, महुआ के आसपास का है, तो वो अभी देखिए यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, और लड़का यूपीएससी क्रैक भी करेगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छा रैंक मिल गया है, अच्छा पोस्ट मिल गया है, जेएसओ में है, वो संतुष्ट भी है, और वहां से वो अभी तैयारी में है यूपीएससी का, तो आगे बढ़ने का सोच रहा है। और यदि आपकी रैंक खराब हो जाएगी, मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आप उसी पोस्ट के बारे में सोचने लगेंगे कि एसएससी में ही कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन यदि एसएससी में बड़ा पोस्ट मिल जाएगा तो आप यूपीएससी के बारे में सोच सकते हैं, बड़ा चीज सोच सकते हैं। इसलिए अभी थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा लीजिए ताकि बाद में हम ऊपर का सोचे, मतलब आईएएस वगैरह का, आईपीएस वगैरह के बारे में सोचे, तो और मन लगेगा, अच्छी तैयारी हो पाएगी। देखिए जितना बर्डन दिमाग पे होता है उतना अच्छी तैयारी होती है, ये बात मानिए। जब आप काम जॉब करके आएंगे तो एक तरह से दिमाग फ्री होगा, किस आर्थिक फ्री। देखिए इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत बड़ी गंदी और बहुत बड़ा बर्डन होता है दिमाग से। आपका नौकरी लग जाएगा और सैलरी जो भी 40,000 50,000 30,000 का मिलेगा, एक तरह से आप इकोनॉमिक बर्डन से हट जाएंगे, फैमिली को भी सपोर्ट करने लगेंगे, और उसके बाद का बचा हुआ 6 घंटा 8 घंटा भी समय होगा तो आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अच्छे जगह पे रहेंगे, जो अच्छा नौकरी, चूंकि एसएससी का नौकरी जो है ऑफिशियल जॉब माना गया है, तो अच्छे जगह पे रहेंगे, वहां से आएंगे, ज्यादा बर्डन नहीं होगा, तो आप आगे का तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14 के बाद 15 नंबर। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अ मैन इज बॉर्न एलोन, करा आदमी जन्मता अकेले है। पी में कहता है गुड एंड बैड, क्यू में कहता है ही एक्सपीरियंस्ड ही एक्सपीरियंसेस द डैश, और आर में कहता है एंड डाइज अलोन।
इंसान जन्मता अकेले है और मरता अकेले ही, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इंसान जन्मता अकेले है और मरता अकेले है, ये आप बचपन से सुनते ही आ रहे होंगे और आशा करते हैं कि ये वाला आंसर आप बहुत जल्दी दे दिए होंगे। आशा करते हैं कि इसका आंसर आप लोगों का अभी तक आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान भी है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आदमी जन्मता अकेले है और मरता भी अकेले। पी आर क्यू एस, सी में है आर क्यू पी एस और डी में है पी एस क्यू आर। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, सोच के देखिए। याद रखना है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले आर्टिकल दो लेता है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले आर्टिकल दो लेता है। और ये बात तो जानते ही है, मरता अकेले है, जन्मता अकेले है तो मरेगा भी अकेले, तो आर से शुरू होगा सेंटेंस। ये बात तो सब क्लियर कर चुके होंगे, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, ये बात तो स्पष्ट है कि आर से शुरू करेंगे। और ये बात भी ध्यान रखना है कि एस के तुरंत पहले क्यू होगा, एस के तुरंत पहले क्यू होना चाहिए। क्यू के तुरंत बाद एस होगा, चूंकि प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले आर्टिकल दो लेता है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले आर्टिकल दो लेता है, तो क्यू के तुरंत बाद एस चाहिए, क्यू के तुरंत बाद एस चाहिए। और आर से शुरू होगा, आर से शुरू होगा, आर से शुरू होगा और Q के तुरंत बाद S चाहिए, दोनों में Q के तुरंत बाद S है। गौर से अब सेंटेंस को देखने की जरूरत है आपको। A man is born alone and dies alone, जन्मता अकेले है और मरता अकेले है। उसके बाद क्या होगा, गौर से देखिए, and can he experiences the consequence of good and bad, तो S के बाद फिर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। गौर से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आर क्यू एस पी हो जाएगा। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड बिहारी बाबू, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं, कैसे नहीं समझे, यहां देखिए ना, ये कंसिक्वेंसेस के पहले ना द लगाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के साथ है। अब परिणाम होता है इसका हिंदी तो परिणाम स्वरूप, तो कंसिक्वेंसेस ऑफ गुड एंड बैड हिज एक्शंस एंड लॉ, कि गुड एंड बैड यानी अच्छा और बुरा का परिणाम खुद से भुगतना पड़ता है, अकेले ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए स्पष्ट है कि है अ मैन इज बॉर्न अलोन एंड डाइज अलोन, तो हम शुरू कर दिए इससे आर से। फिर क्या कर रहा है, ही एक्सपीरियंसेस द कंसिक्वेंस, वह उसके अनुभव को भुगतता है। क्यू के बाद एस कैसे होगा, क्यू के बाद एस, यहां क्यू देखिए यहां द लगल है, यहां देखिए क्यू में द लगा हुआ है ना, एस में कंसिक्वेंस है जो कि प्रीपोजिशन के पहले आया है, तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले आर्टिकल द लेता है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले आर्टिकल द लेता है। जैसे बताए थे ना, द लेग्स ऑफ द टेबल, ऐसा बताए थे, द कलर ऑफ द कार, याद है, देखिए ये प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले क्या लेता है, द लेता है, इसके पहले ये कंसिक्वेंस है और इस कंसिक्वेंस के लिए क्या लेगा, द का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, मिटाया जाए बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी बच्चा बहुत कम है, बस लास्ट ही है, टाइम मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कहता है, आर्किटेक्चर बिगन शुरू हुआ, पी में कहता है टू बिल्ड देयर ऑन शेल्टर्स, आवास को शेल्टर कहते हैं, क्यू में कह रहा है ऑन रेडी मेड वंस, आर में कहता है व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड, और एस में है रदर देन रिलाइंग, छ नंबर में है सच एज ट्रीज एंड केव्स, केव मतलब गुफा होता है, ए में कहता है आर पी एस क्यू, बी में कहता है पी आर एस क्यू क्यू एस, सी में कहता है आर क्यू पी एस, और डी में है पी एस क्यू आर। बच्चों मैं आपको बता दूं कि रिलाई जो है ये ऑन लेता है अपने तुरंत बाद, इसका मतलब होता है निर्भर होना, इसी से आंसर बन जाना चाहिए। रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना, रिलाई अपने साथ ऑन लेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने घर बनाने वाला को आर्किटेक्चर विभाग कहते हैं। गौर से देखिए रिलाई अपने साथ ऑन लेता है, रिलाई जो है ऑन लेता है, ये गौर से यदि देखिएगा रिलाई के साथ ऑन चाहिए, स्टार्टेड के साथ टू चाहिए, बिगन वेन शुरू हुआ जब। गौर से सेंटेंस को देखिए, रिलाई मतलब निर्भर होना होता है, रिलाई को प्रीपोजिशन ऑन चाहिए बेटा, प्रीपोजिशन ऑन चाहिए रिलाई को, स्टार्टेड को टू चाहिए, स्टार्टेड को टू चाहिए। वेरी गुड आंसर देखिए, जल्दी जल्दी सोचिए, विचारिए, मन में सोचिए, आपके पर पास ट्रिक दिया हुआ है, रिलाई को ऑन चाहिए। वेरी गुड आंसर आ चुका है आर पी एस क्यू। आर्किटेक्चर बिगन शुरू हुआ व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड टू बिल्ड देयर ऑन शेल्टर्स, शेल्टर मतलब आवास होता है, जब पहले के लोग अपना घर बनाना शुरू किया। फिर एस की रदर देन रिलाइंग ऑन रेडीमेड वंस, किसके रिलाई यानी कि बना बनाया घर पर पहले निर्भर था गुफा में रहने का, करा रदर देन रिलाइंग ऑन रेडीमेड वंस सच एज ट्रीज एंड केव्स, पहले लोग पेड़ में और गुफा में रहता था, तो ये सच एज आया है रेडीमेड घर के लिए, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आर पी एस क्यू इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड आंसर हमारा ए होगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और हम लोग इसलिए भी इसको मात्र 5 बता रहे हैं कि आप अच्छे से समझ सकिए। अब फिर भी स्टूडेंट की संख्या इतना कम है, पता नहीं किस वजह से स्टूडेंट की संख्या इतना कम क्यों है, और बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों आप खुद बताइए कि इस तरह से आप पहले नहीं सोच पाते होंगे, मैं आपको एक नया तरीका से सोचने का बता रहा हूं कि आप ऐसे सोच के क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सर से देखिए, आदि सर क्या कह रहे हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोग से,
ठीक है, भारती सर यहाँ बहुत पहले आते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं। हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि बच्चे के लिए क्या करें। भारती सर एक ऐसे टीचर से बात किए हैं जी के जी एस के लिए, मैंने ही बात किया, भारती सर ने बात किया, जो कि बीपीएससी इस बार निकाला हुआ है। ठीक है, भारती सर और हम दोनों ये सोचते रहते हैं कि आपको कैसे बेस्ट दिया जाए, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है। हमें देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर ये फील हो रहा है कि YouTube से कमाई उमाई कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं, ये सब अगर गलतफहमी के शिकार हैं तो इसको पहले दिमाग से निकालिए। हम लोग को एक नेम चाहिए। भारती सर को ऐसे इतना मोटा सैलरी आता है कि वो रख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आखिर व्हाई ही इज वर्किंग, वो क्यों वर्क करें, वो प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में, तो वो क्यों यहाँ पर आके खट रहे हैं, बस नेम के लिए। वो क्यों उस टीचर से बात करें जो बीपीएससी क्रैक किया हुआ है, क्योंकि नेम के लिए। वो भी क्यों आने के लिए तैयार है, नेम के लिए। हम बोले कि कल से आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, क्यों, बस एक नेम के लिए। वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, आर टीम वर्किंग हार्ड फॉर यू, देन व्हाई यू आर नॉट वर्किंग फॉर अस। क्यों नहीं, हम लोग के लिए मत करो, अपने चैनल के लिए तो करो, कुछ तो करो। थोड़ा सा बुरा नहीं लगता है कि आप लोग 35-40 से 14-15 आ गए हैं? माने बुरा फील नहीं होता है कि मैथ में जहां पर कि 40-50-60 होता था, उसमें आप लोग 30 आ गए हो? माने कभी फील नहीं होता आप लोगों को कि हम लोग को कुछ करना चाहिए? विश्वास कीजिए, हम और भारती सर पर्सनली इतना, अभी भारती सर फिर जा रहे हैं क्लास लेने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए हम लोग के लिए, आप लोग के लिए वक्त निकाले हैं। हम लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, विश्वास मानिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कैसे जो है आपको डेवलप किया जाए, कैसे आप जॉब दोगे, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो। अब एक बच्चे ने कहा कि सर क्या करें, सबको मैं फोन करती हूँ, करता हूँ, लेकिन वो नहीं सुनता है। मतलब आप में दम नहीं है, आप उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो ना कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर लिया, इसका मतलब ये ना कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर लिया, आप उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। क्यों भारती सर इतना खटे हैं, टीचर से बात करें, क्यों हम लोग इतना काम करें जब आपको कुछ नहीं करना है? तो सोचिए, आपको सोचना है, मुझे नहीं सोचना, मैं अपना कर्तव्य करते रहूंगा और हम लोग करते रहेंगे, हमारा टीम करते रहेगा, हमारा टीम करते रहेगा। अब आपकी बारी है, हमें देखना है कि आप कितने डेडिकेटेड हो हमारे लिए। वेटिंग फॉर द बेस्ट, वेटिंग फॉर योर हेल्प, वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स, प्लीज गो अहेड। उन्हें व्हाट्सएप पे बताओ, फेसबुक पे बताओ, कॉल करो, क्या करना है आप करो। आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके जॉब के लिए हमें क्या करना है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे आपको क्या करना है ये आप सोचो। ठीक है, आगे बस आपके, हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे सर। आपके सपोर्ट, आपका सपोर्ट पूरा नहीं हो रहा है, जिस पर्पज़ से इस चैनल को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सब सब्जेक्ट हम जोड़ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, सब चीज़ जिस पर्पज़ से हम लोग कर रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ रहा है। हमें भी चाहिए, अरे नहीं अमाउंट चाहिए, कम से कम दिल में तो जगह चाहिए ना जी, कि बच्चे हमें जाने, बच्चे हमें जाने, इतना तो चाहिए, इतना का तो हकदार हम लोग हैं। और भारती सर तो सीधा साधा, मतलब भोला बाबा जैसे हैं, आते हैं बस पढ़ा के चल जाते हैं। ठीक है, ये तो जान रहे हैं, ये मतलब एकदम आएंगे बस लग जाते हैं, इनको पता नहीं होता है कि हाँ 10 बच्चा है या 20 बच्चा है या 40 बच्चा है या 50 बच्चा, डजेंट मैटर, इनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन हमें फील होता है क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमें फील होता है। हमें भी चाहिए कि नहीं, आप लोग कॉल करो ना, अपने क्लासमेट को कॉल करो ना, अपने बचपन के दोस्त को कॉल करो ना, उन्हें बताओ ना, उसे बताओ, कंपैरिजन करने बोलो कि विच चैनल इज बेस्ट। अगर वो चैनल अच्छा है, अगर उनका चैनल अच्छा, तो आप जाओ यहाँ से, एटलीस्ट हम लोग शांति से जिएंगे तो। और अगर ये चैनल अच्छा है तो उन्हें खींच के लाओ, उन्हें इन्फ्लुएंस करो। इट्स योर वर्क, इट्स नॉट माई वर्क। आपने कहा कि सर, आपने कहा इन्हें PQRS पढ़ाओ, सर शुरू हो गए PQRS। आपने हमें कहा कि सर हमें जीके जीएस दो, तुरंत सर को मैं बोला सर बात की जीके जीएस के लिए। आपने कहा कि सर मुझे
ये चाहिए क्या, करंट अफेयर्स चाहिए? करंट अफेयर्स का कल से आ जाएगा आपका करंट अफेयर्स, कल से आपका करंट अफेयर्स आएगा डेफिनेटली। आज मैं मीटिंग किया हूँ टीचर से, व्हाई वी आर डूइंग सो दैट मच, क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये एक परिवार है, परिवार की संख्या बढ़ाओ। जानते हो कि जिस परिवार में संख्या नहीं बढ़ रहा उसमें औरतों को क्या कहा जाता है, मर्द को क्या कहा जाता है, पता है ना? पता है ना, फैमिली की संख्या, फैमिली मेंबर बढ़ना चाहिए। इंक्रीज योर फैमिली, फैमिली मेंबर को बढ़ाओ। इन्हीं सब आशाओं के साथ सर भी कुछ कुछ लास्ट में बोलेंगे। सर को देखिए, बोले ना भोले बाबा जैसे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ कल मॉर्निंग में, मैं मिलूँगा। और कल से शायद आपका, शायद नहीं, 99% चांस है कि कल से आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पहला वीडियो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद उसे लाइव लेने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू बाबू। सर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कुछ बोलना आप? चलिए चलते, हेलो, ठीक है बाबू, आप मेहनत खुद कीजिए, चलिए आपका काम है, बस कोऑपरेट करते रहिए, दोस्त को बोलिए शेयर कीजिए। खैर, आप अपने पे पहले, सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद पे मेहनत करें, अपने पे विश्वास रखें। आप खुद अच्छा ऑफिसर बनेंगे तो आपको देख के खुद लोग पीछे पीछे आ जाएंगे। कारवा तैयार किया जाता है अकेले ही, शेर ऐसे भी दहाड़ के चलता है। आप सभी शेर हैं, दहाड़ते रहिए, पीछे से जो है सियार लोग आते रहेंगे। थैंक यू। अरे रुके ना, अरे रुके ना।